हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टार मूवी। दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में हमने दूसरे यूनिवर्स से आई एक एलियन को देखा था, जो कि बहुत प्यारी सी एक लड़की है। और वहीं लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फार्म अपने भाई के बारे में पूछने के लिए चाउची के रेस्टोरेंट आया हुआ होता है, और यहीं से सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है। फार्म के पूछने पर आखिरकार चाउची उसके भाई का पता उसे बता ही देती है, और तभी फार्मली को देखने के लिए वहां से निकल जाता है। और चाउची बिल्ली को बचाने के लिए अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर फार्म से पहले उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, और वो ली को भागने के लिए कहती है। तभी ली उसे कहता है, घबराओ मत, यहाँ सब मेरे कंट्रोल में है, और दोनों लंच के लिए बैठ जाते हैं। तभी ली उसके हैंड को टच करते हुए कहता है, तुम हर वक्त ये ग्लव्स पहन के क्यों घूमती हो। तभी वो उसे बताती है, हम एलियंस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। और तभी वहाँ फार्म आ जाता है, और वो फार्म को देख के फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, और फार्म के जिस्म से उसे अलाउंसमीटर की स्मेल भी आने लगती है। और तभी वो चाउची को साइड कर देता है, और तभी फार्म के कहने पे उसके बॉडीगार्ड ली को पकड़ लेते हैं, और चाउची भी समझ जाती है कि अभी फार्म के पास अलाउंसमीटर नहीं है। और तभी ड्रामा करने लगती है और उसके पैर पकड़ के कहती है, मुझे ली के साथ रहना है। और उसे ऐसा करते देख ली भी उसका साथ देने लगता है, और तभी फार्म दोनों को घर ले आता है। घर आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और तभी चाउची फिर से अपना अलाउंस मीटर ढूंढने लगती है, और वो अलाउंस मीटर ढूंढते हुए फार्म के रूम जा पहुंचती है, जहां फार्म नहा रहा होता है। और वो फार्म को नहाता देख फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। कुछ आवाज के कारण फार्म को लगता बाहर कोई है, और फार्म की आवाज सुनने के बाद चाउची वहां से डर के भाग जाती है। बाहर आने के बाद सारी चीजें पहले की तरह फिर से ठीक कर देती है, और जल्दी से बाहर की ओर भाग निकलती है। नहाने के बाद फार्म सोने के लिए चला जाता है, और उसके सोने के बाद चाउची फिर से उसके रूम में आ जाती है, और उसे वो देखने लगती है। और जैसे वो उसकी बॉडी को स्कैन करने ही वाली होती है, तभी फार्म उसका हाथ पकड़ के उसे रोल करता हुआ उसके ऊपर बैठ जाता है। तभी वो उसे पूछता है, अब बताओ तुमने क्या चुराया है। तभी चाउची उसे कहती है, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े उतार कर देख सकते हो। और उसकी ये बात सुनकर फार्म शर्मा जाता है, और गार्ड्स को कॉल करके उसे बाहर करवा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये बात ली को पता चल जाती है, और तभी ली फार्म को पूछने लगता है। तभी फार्म उसे कहता है, तुम उसे डेट नहीं कर सकते, और उसे ये कह के फार्म वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें फार्म के स्टेप मदर को बताया जाता है, और वहीं हम उनके भाई को उनसे बात करते हुए देखते हैं। तभी हमें पता चलता है फार्म की स्टेप मदर फार्म को जरा भी पसंद तक नहीं करती है, और वो चाहती है उनका बेटा ली कंपनी का चेयरमैन बन के सब कुछ अपने हाथ में ले ले और अपनी तरीके से सब कुछ हैंडल करे। तभी उनका भाई उन्हें बताने लगता है, फार्म को तो बीमारी है, और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है, और फार्म के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने एक लड़की को अपॉइंट किया है। तभी हम चाउची को उसकी रेस्टोरेंट की ओनर जाहुई के साथ देखते हैं, और उसे वो एक एग्रीमेंट बता रही होती है, और कहती है, कल हमें रेस्टोरेंट में बहुत प्रॉफिट हुआ है, अगर फार्म इस एग्रीमेंट पे साइन कर देगा तो डेली हमें उनके स्टाफ के लिए टिफिन भेजने होंगे, तो तुम जाओ इस एग्रीमेंट पे साइन करवा ले आओ। और चाउची उसकी बात मान जाती है, और फार्म की बिल्डिंग जा पहुंचती है। और वहीं हम फार्म को लिफ्ट के पास देखते हैं, जहां लिफ्ट का गेट बंद होते हुए रुक जाता है, और चाउची उछलते हुए लिफ्ट में घुस जाती है, और फार्म ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। ये सब देखने के बाद फार्म बहुत चौंक जाता है, और फार्म को लगता है कि ये उसका हेलुसिनेशन है। और तभी चाउची फार्म के कैबिन में एग्रीमेंट रख कर अपने अलाउंस मीटर को ढूंढने लगती है। तभी उसे फार्म के अंदर आने का एहसास होता है, और वो वहीं पे छुप जाती है। और फार्म भी बुक्स की चेंजिंग को देख के समझ जाता है कि वहाँ पे कोई तो है, और तभी वो बाहर आने के लिए कहता है, और तभी चाउची बाहर आकर उसके हाथों को बांध देती है, और अलाउंस मीटर के बारे में पूछने लगती है। तभी फार्म उसे कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और चाउची भी बातों बातों में उसे बता देती है कि उस रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और फार्म को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है, क्योंकि उस रात फार्म के हिसाब से वहाँ कोई भी नहीं था। और तभी अचानक वहाँ पे फार्म के अंकल की आवाज आती है, और फार्म उनकी आवाज सुन के चाउची को नीचे छुपा लेता है, और उसके अंकल उसे बताते हैं, जो तुमसे मिलने के लिए आई है। तभी फार्म उनसे कहता है कि तुम उससे कह दो कि मेरी तबीयत खराब है। और अंकल के जाते ही चाउची भी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, और फार्म के अंकल ये बात जाकर जू को बताते हैं कि फार्म की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जू समझ जाती है कि फार्म झूठ बोल रहे हैं, और वो गुस्से में जाकर फार्म की कार को डैमेज कर देती है। और वहीं हम फार्म को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाता हुआ देखते हैं, और फार्म साइंटिस्ट से उस पत्थर के बारे में पूछ रहा होता है जो उसे उस रात मिला था, और साइंटिस्ट उसे बताने ही वाला होता है। तभी उसे जैन का कॉल आता है, और जैन उसे गैरेज में बुला रहा होता है। तभी फार्म गैरेज में चला जाता है, और जू उसे उसके गाड़ी के पैसे देते हुए ये कहती है, मेरे डैड ने तुम्हारे साथ में मेरी डेट फिक्स की थी, इसीलिए मुझे तुम्हें एक बार तो देखना था। और वो उसके साथ एक सेल्फी लेके वहां से चली जाती है। तभी फार्म जू पे नजर रखने के लिए कहता है, और तभी हम ली को देखते हैं, और उसे जू का मैसेज मिलता है। तभी ली फ्लैशबैक में चला जाता है, और जू के साथ बिताए सारे मोमेंट उसे याद आने लगते हैं कि वो उसके साथ में कितना हैप्पी था, और एक वक्त पे उसका ब्रेकअप हो गया था। तभी हम रेस्टोरेंट में जाओकी और चाउची को बातें करते हुए देखते हैं, और तभी वहाँ पे ली आ जाता है। चाउची और ली डिनर करते हुए साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, और ली भी बहुत सारी ड्रिंक करने के कारण बेहोश हो जाता है। नशे में होने के कारण चाउची में उसे जू दिखने लगती है, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और चाउची ने उस वक्त ग्लव्स नहीं पहने थे। तभी चाउची के स्किन में कुछ इफेक्ट होने लगते हैं, और
जाकर स्टोर रूम में बैठ जाती है। काफी टाइम हो चुका था और ली का भी कोई पता नहीं चल रहा होता है। तभी फार्म हाउस का लोकेशन ट्रैक करके रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और जाओकी उसे अंदर जाने से रोक रही होती है क्योंकि ली ने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था। जाओकी को पता चल जाता है कि फार्म ली का भाई है, तभी वो उसे अंदर जाने देती है और फार्म ली को नशे की हालत में देख के घबरा जाता है और जैन को कॉल करता है और ली को वहां से ले जाने के लिए कहता है। तभी उसकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पे जाती है। जैसे वो स्टोर रूम के अंदर एंटर करता है सारी चीजें बिखरी हुई होती है और चाओची साइड में बैठ के कांप रही होती है और उसे देख के फार्म बहुत घबरा जाता है और वो एम्बुलेंस को कॉल कर ही रहा होता है। चाओची उसे ऐसा करने से रोक देती है और चाओची उसे हक कर लेती है और कहती है तुम कितने गर्म हो। ये सुनने के बाद फार्म उसे अपने से दूर कर देता है लेकिन चाओची उसे किस कर लेती है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। क्या फार्म को चाओची पसंद आएगी, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।